अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक होगे। तो भाई आप फाइनली तलहा अंजुम तलहा यूनस का गाना आ चुका है जिसका नाम है साइको। साथ हैं JJ47 और उमेर खान के चैनल से आया, बिना टाइम ज़ाया किए यस कमांडो। Murder on my mind, liver ever dead with these rhymes. Fuck a gang sign, main akela hi group, a gang of nine. Guns and knives, banduka chaku churiyan fan of bohemian. I've never instilled respect, izzat se badhke nahi kuch. The streets are talking, mere bare mein ja mere logon se pooch. Murder on my mind, dafa 302, faisla mehfooz. Hey, where you from? तारुफ करवा मुझे किधर से तुम लगते हो नए, मैं तो इधर ही था पे किधर थे तुम। जो भी नजर में वो असली खुद पे किया नहीं शक, मशवरे मिलते पर सुनना फर्ज नहीं। मेरे पास चर्च है बस, मेरे पास हर चीज, मेरे पास दवा नहीं कोई मर्ज। टीपू सुल्तान वाइब्स ब्रो, शेर तो मांगता एक दिन बस। जो भी नजर में वो असली, यू नो यू डोंट इफ यू फक विद मी। मैं सच और तू झूठ, आई डक एंड आई शूट, scattered this proof. 3 minute ka verse, I act as I am, I don't need to rehearse. Maine dekha hai khwab ek ke main mar gaya na dekho neon shirts. Dick in their mouth, fuck what they say. Mere haters hazaron mein, mere bare mein articles bhi chhappe akhbaron mein. Samajh na kya bolna chah raha hu main, kya bolne ja raha hu main. मैं हूँ फेमस, मुझे ना ढूंढो सितारों में। इलाके से फर्क नहीं पड़ता कराची मेरा, जहाँ तू बोले आ रहा हूँ मैं। They can figure me out and that shit triggers me. मैं और मेरे idols, damn, like seeing a better me. नया लगो लेकिन नया नहीं जानते हो, जे गया नहीं सीना तोड़ तोड़ पोड़ के खोल हाथ छोड़ फत्ता जी दया नहीं। हाँ मैं नया नहीं, जो ये बोले मेरे बारे झूठ थे, जाके पूछ ले किसको पूछते और कहते जे जे आप झूठ थे। फकिंग झूठ ये समझे टॉपिक, खुद को कहीं गॉड बैठे जॉब पे, करे नौकरी जाके ऑल दे। मैं तो खड़ा हुआ आज भी रोड पे अंडरग्राउंड से सीधा कील तक, दो दो साइन की हुआ जबील तक, नंगे पांव चला चुभे कील तक, गया अर्श में होने जलील तक। लेकिन सामना हुआ उन्हीं से जो जाने काम ना, लूंगा नाम ना, दे नो वर्थ तेरी फिर भी लगे दाम ना। वो भी शाम ना रैपर्स बहुत, लेकिन लोग मेरे आम ना, ये कलाम ना हाथ थाम ना। नो माय थिंग, मैं किसी का गुलाम ना। जे अंडर रेड कहते छोड़ो, इसे जे का तो कोई फैन नहीं। फक फेम मलक मेरी गेम, मैं ना हीरो शीरो, मैं कोई सुपरमैन नहीं, तुझे चैन नहीं। बोले ब्रो गाने पे तेरे कोई व्यूज ना, तेरी कोई न्यूज ना, चला चूज ना, मैंने खुद ही की ये लाइफ चूज ना। कर महसूस ना होता कंफ्यूज ना, रिदम एंड पोएट्री पर कोई ब्लूज ना, रिहैश करता चले कोई ब्लूज ना, सीधी बजानी देता मैं क्लूज ना। ये पूछे व्हाट्स अप व्हाट हैपेंड टी से, कैसा ये बीफ था जबकि सब जानते तला, बचपन से ही जे के कितना नजदीक था, कितना अजीब था जिस का लीक था, क्या इस सब की वजह भी चीफ था, मेरा बिलीफ था भड़ा ये डीप था, लेकिन अब ठीक है पहले भी ठीक था ये। Johnny got cold, bats on, diva in the building, pull up popcorn, put it in ke hath pao, main pop khao, gali gali kare main la khao. लौंडे खपती है वक्ती तभी इनकी पड़ती शेर तभी, और अब भी है no one above me. Hip hop एक जंगल क्यों बनते ये बकरी है घबरी है मसली अब नसली, तू नकली तू मादा हम नर चल लटक नहीं, तेरे के लिए फक नहीं, घड़ी ली सोने की पहनने का वक्त नहीं है, कोई शश नहीं सीधा साधा बंदा चारी, कोई फोन अभी तक नहीं, उर्दू है पॉप की रग भाई, वेरीफायर ऑन माय ओन जैसे नासिर जॉन जी स्टाइल, शट द फक अप शो सम लव ए कहते के लगता नहीं गाने में, पर मैं सम्माने से कवर है मानेंगे, रुक कश्तियाँ डुबा ले दे, चुल्लू पर पानी में डूबे अब चारे दे, कॉल कॉल लाया यंग रैप को ट्रेंड पे डाल, यंग देसी या चेन के देख ले दिस नहीं फैक्ट, ये फैंस थे मुकाबला कैंसर और स्कूल, बंदाना पाली बैगी पेंटे गाड़ी पे डेंटे, काले शीशे दुनिया देखी डेंटे, ड्रापर्स या गेंद के प्लीज मेरा गाना शेयर करना भाई ये लिंक।
है जब कॉन्टेंट डीलर तो जो लोगों से मिलते सड़कों का शोर कच्चे कच्चे रोड वो खट्टे वो थके साथ पुराने दोस्त ये मेरी रेसिपी है वही लोग जो मैं मर गया तो लिखेंगे मेरे बारे वो सारे ओ ओ ओ सारे के सारे बेशक मिल के थे एक दूसरे को सहारे रे छोटे बेचारे क्यों अब तक कुंवारे हमें पाप को खा गए मेरा राज देख बादशाह मेरा ताज के मतलब क्या बोले बंदा और क्या ना बोले मुझे हमेशा ही पसंद है यंगस्टर्स और यंगस्टर्स एक अलग ही सीन है यार और खाली यंगस्टर्स नहीं JJ47 मज़े की बात इस गाने की ये थी कि गाना लंबा था 5 मिनट का गाना था और म्यूज़िक कहीं जगह ऐसा होता है कि म्यूज़िक गाने से भी ज़्यादा होता है मतलब लिरिक्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितना म्यूज़िक होता है मतलब 25-25 सेकंड बाद फिर जाके कोई लाइन आती है और फिर जाके कोई हुक आता है और इस तरह सीन होता है ना लेकिन 5 मिनट का गाना है और सारी बात है कोई ये नहीं है कि बीच में ड्रैग किया जा रहा है गाने को और मज़ा आया और कितनी एक क्या कहूँ एक अलग फील किस्म की आवाज़ थी तीनों की और यह मुझे ऐसा लगता है या शायद तुम लोगों को भी ऐसा लगता हो और सही बात है ये तो मतलब जेन्युइन है ये डिस नहीं है सीधी बात है लेकिन चैन के जितने भी गाने आ रहे हैं अभी कोई ट्रेंडिंग पे नहीं गया मतलब लास्ट गाना हमशकल आया था इवन क्रॉस किए थे इससे ज़्यादा व्यू इनके यंगस्टर्नर्स से लेकिन यंगस्टर्नर्स ट्रेंडिंग पे थे और हमशकल ट्रेंडिंग पे नहीं था उसकी वजूहत सबको पता है मतलब उस बंदे को इंडिया में ज़्यादा सुना जा रहा है इवन पाकिस्तान में इतना नहीं सुना जा रहा मतलब इंडिया वो कौम तबाह है के बाद उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है और जो असली बात है वो यही है कि चैन के को असली हिप हॉप के बाद बहुत ज़्यादा सुनना लोगों ने शुरू किया अगेन ये कोई डिस नहीं है ये कंपटीशन नहीं है आर्टिस्ट का कोई कंपटीशन नहीं होता लेकिन जो सच है वो सच है मतलब चैन के 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गए थे वो 21वें पे या पता नहीं किस नंबर पे ट्रेंडिंग पे थे और चैन के 5 लाख व्यूज़ भी क्रॉस कर गया था लेकिन वो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में नहीं था मतलब पाकिस्तान के लोग उसको नहीं सुन रहे थे जितना बाहर के लोग सुन रहे थे खैर अब और जो लास्ट में तला अंजुम ने बात की है कि मैं बादशाह बिना ताज के ओवरऑल यार मुझे ये गाना बहुत पसंद आया मतलब हर ठोका है और मज़ेदार एक अलग वाइब आती है एक अलग फील आती है इनके गाने की और अंजुम है JJ47 है और तला यूनस है लास्ट में यूनस ने बड़ा कमाल का किया मतलब फ्लो नॉर्मल रख के एक ही सांस में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा लाइनें कह दी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे वो बहुत आखिर तक जा रहा है और जितना खींच सकता है वो फ्लो को उतना खींच रहा है और फिर उसने राहत दी है तो भाई कुल मिला के बात यह कि मुझे बड़ा कमाल का लगा यार गाना सीरियसली मतलब 5 मिनट का गाना था और तीनों ने थ्रीसम किया इस गाने के साथ मतलब कोई भी म्यूज़िक को ड्रैग नहीं किया अब लाइन्स पर लाइन्स आती रही हैं लिरिक्स मारते रहे हैं और मज़ा आया मुझे अच्छा लगा ये चीज़ और बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिन लोगों को मतलब 5-6 मिनट के गाने बनाते हैं और लोग बोर नहीं होते बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं और अगर वो आर्टिस्ट हिट भी हो जाते हैं ना तो वही बात है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइंस कम होती हैं म्यूज़िक पे ज़ोर ज़्यादा दिया जाता है इनका ये होता है कि म्यूज़िक पे भी ज़ोर देना है लेकिन जो असल कॉन्टेंट है जो चीज़ सुन रहे हैं उसका मज़ा देना मुझे पसंद आया उम्मीद है तुम लोगों को भी पसंद आया होगा ये मेरे ख्याल से एक तो इनके गाने ना आजकल पता नहीं क्यों सैरी के टाइम पे आते हैं मतलब कोई 2 बजे निकल रहा होता है कोई 3 बजे निकल रहा होता है कोई 4 बजे निकल रहा होता है मतलब ये वो हैं रात को जागने वाले हैं या रोज़े रख रहे हैं मुझे नहीं पता खैर मुझे पसंद आया और उम्मीद है तुम लोगों को भी पसंद आया होगा शेयर करो इस गाने को जितना भी हो सकता है मैं हमेशा कहता हूँ यंगस्टर्स एक वाहिद पाकिस्तान के अंदर रैपर्स हैं जो पाकिस्तान का रैप संभाले हुए हैं या संभालने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है मैं ये नहीं कहूँगा कि संभाला हुआ है क्योंकि बहुत से रैपर हैं जो आने वाले वक्तों में नज़र आएंगे और आ भी रहे हैं लेकिन इस टाइम करंटली यंग स्टैंडर्स अगर किसी से भी पूछा जाए कि कौन है पाकिस्तान का रैप को प्रमोट करने वाला या रैप को किसी तरह बैलेंस करने वाला तो वो यंग स्टैंडर्स हैं JJ47 अपनी जगह पर खेल गया मुझे अच्छा लगा गाना उम्मीद है तुम लोगों को भी पसंद आया होगा तो मिलता हूँ तुम लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे तब तक के लिए